Hello everyone, welcome to Combine CS. In this video we are going to talk about while loop. In previous video we have covered for loop. To whatever is the concept behind looping, that is almost same in for, while and do while, but the way of implementing it in a programming language is simply different, but concept is same. So what is the general syntax of while loop? इन फॉर लूप हम क्या कर रहे थे, हम एक ही साथ में सारे कंडीशंस को लिख रहे थे, सारे एक्सप्रेशंस को लिख रहे थे एंड देन बॉडी ऑफ द लूप वी वेयर एग्जीक्यूटिंग. इन व्हाइल यू हैव टू डू इनिशियलाइजेशन, आपको पहले करना है, ठीक है. उसके बाद व्हाइल के अंदर कंडीशन टेस्ट होगा. अगेन इफ द कंडीशन इज ट्रू तब हम इस ब्लॉक के अंदर आएंगे, बॉडी ऑफ द लूप विल एग्जीक्यूट एंड इसी ब्लॉक के अंदर आपका यहाँ पे अपडेशन होगा एंड अगेन आपका कंडीशन चेक होता रहेगा, ठीक है. मतलब इसके बाद अगेन कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, अगेन फिर यहाँ से कंट्रोल इस तरीके से आएगा एंड दिस इज व्हाट द कंटिन्यूस. नाउ बात यहाँ पे क्या आती है कि ये कब टर्मिनेट होगा. ऑब्वियसली व्हेन कंडीशन जब यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी देन आप यहाँ पे इसके बाद जो भी लाइन एग्जीक्यूट होगा वो एग्जीक्यूट होगा. तो सिंपली इट इज द अनदर वे ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग. तो बहुत ऐसे लर्नर्स होते हैं जिनको फॉर को अगर यूज नहीं करना देन दे आर यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है. अब यहाँ पे मैं डू व्हाइल भी आपको बताना चाहूंगी, बिकॉज डू व्हाइल में क्या होता है, सेम सिंटेक्स होती है. आप इनिशियलाइजेशन करोगे, ओके. इनिशियलाइजेशन करने के बाद यू विल राइट डू व्हाइल, सॉरी वन मिनट, लेट मी इरेज, ओके. व्हाट आप इनिशियलाइजेशन करोगे उसके बाद डू, ठीक है. डू मीन्स यू हैव टू डू सर्टेन टास्क ओवर. उसके बाद कंडीशन यहाँ पे चेक होती है, दैट इज व्हाइल एंड देन सेमीकॉलन. इट मीन्स कि आपका एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको समझना है. बेसिकली दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन इन द वाइवा, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल. तो आप देखो व्हाइल में आप मुझे एक चीज़ बताना, व्हाइल में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर व्हाइल में ये कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, ठीक है, अगर ये कंडीशन सपोज फॉल्स हो गया तो क्या व्हाइल में एग्जीक्यूशन होगी. ये कंडीशन अगर सपोज यहाँ पे फॉल्स हो गया तो यू नो कि इसके अंदर तो हम जाएंगे ही नहीं. जब इसके अंदर जाएंगे ही नहीं तो द बॉडी ऑफ द लूप विल नेवर गेट एग्जीक्यूटेड, नेवर नेवर, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई. बट अब यहाँ पे सिंटेक्स देखो, अगर यहाँ पे कंडीशन इसकी फॉल्स हो गई, ठीक है, लेट अस सपोज यहाँ पे कंडीशन सपोज मैंने दिया आई इक्वल्स टू फाइव, ओके. मैंने आई में फाइव वैल्यू असाइन कर दी, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ कंबाइन सी एस, ओके. एंड मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दिया व्हाइल आई नॉट इक्वल्स टू, लेट अस सपोज व्हाइल आई नॉट इक्वल्स टू मैंने दे दिया फाइव, ये कंडीशन फॉल्स हो गई बिकॉज क्या आई इक्वल्स टू फाइव है, तो कंडीशन तो यहाँ पे फॉल्स होगी. बट बिकॉज कि यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं था, कंडीशन वी आर चेकिंग हेयर, एंड में हम चेक कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट तो आपका एक बार एग्जीक्यूट हो गया. तो नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल क्या है कि अगर आपका कंडीशन फॉल्स है, अगर आपका कंडीशन फॉल्स है देन ऑल्सो डू व्हाइल में आपकी एग्जीक्यूशन एक बार होगी. बट व्हाइल में अगर कंडीशन एक बार भी फॉल्स होगी तो आपका एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है. तो दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल, अदरवाइज आपके सारे लूप सेम होते हैं. नाउ लेट अस सी वन ऑफ द एग्जाम्पल कि किस तरीके से हमें करना है. अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, प्रिंट करना है नंबर 1 to 10. लाइक मुझे प्रिंट करना है 1, 2, 3, 4, 5 and so on 10 तक. तो कैसे प्रिंट करेंगे, वी हैव इंक्लूडेड हैश इंक्लूड stdio.h. इट मींस इन द प्रोग्राम वी आर गोइंग टू यूज सम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स, ओके. तो हमने वाइड मेन एक फंक्शन लिखा, यहाँ से फंक्शन का स्टार्ट हो गया, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन, दैट इज मेन फंक्शन. इन दैट मेन फंक्शन वी हैव टेकन अ वेरिएबल i. उस आई का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, एंड दिस वेरिएबल इज इनिशियलाइज बाई 1. तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द कमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट कमेंट्स बिकॉज दिस इंक्रीजेज द रीडेबिलिटी ऑफ योर प्रोग्राम, ओके. एंड अगर अभी से आप इसकी आदत डालते हो तो अभी आप देखो गूगल अमेजन जहाँ पे आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए वो लोग सेलेक्ट करते हैं, दिस इज हाउ इफ यू गोइंग टू राइट द प्रोग्राम तो आपका सिलेक्शन बहुत ही वहाँ पे ऑब्वियसली दूसरों के कंपैरिजन में अच्छा हो जाता है, ओके. तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल को आई से इनिशियलाइज किया. नाउ आई हैव चेक द कंडीशन, लाइक जब तक ये सपोज आई वेरिएबल है इसमें एक एक करके ये सारे वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, जब तक आई के वैल्यूज 10 प्रिंट ना हो जाए तब तक मुझे आई को एक एक करके
प्रिंट करना है. ओके, तो व्हाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10, दैट इज आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन इज ट्रू. अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुआ तो आप क्या कर रहे हो, आई को प्रिंट कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा. देन आई प्लस प्लस, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई, 2. ओके, अब आई की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2. 2 के बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन क्या चेक होगी, 2. 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, अगेन कंडीशन इज ट्रू, तो फिर से ट्रू होगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया. नाउ अगेन इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 3. अगेन आपका यहाँ से फिर से कंडीशन चेक होगा, दिस इज हाउ द एग्जीक्यूशन इज, यहाँ पे फिर से क्या चेक होगा, 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, अगेन कंडीशन इज ट्रू, तो फिर से यहाँ पे प्रिंटिंग होगी, डेट इज 3 प्रिंट हो जाएगा, एंड फिर से इसकी वैल्यू हो जाएगी 4. तो ये कब तक होगा, लेट अस सपोज अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होके वैल्यू हो गई 10, ठीक है, तो 10 प्रिंट होगा, तो यहाँ पे लास्ट में आपका क्या एग्जीक्यूट होगा, दैट इज आई विल जस्ट रब एवरीथिंग. ओके, जब आप समझो इसकी वैल्यू 10 हो गई, ठीक है, तो 10 क्या लेस देन इक्वल्स टू 10 है, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल्स टू तो है, तो अगेन कंडीशन इज व्हाट, ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गई आपकी, अब आई की वैल्यू हो गई 10, मतलब आपने 1 से लेके 10 तक यहाँ पे प्रिंट कर लिया. अब इसकी वैल्यू हो गई 11. जैसे ही इसकी वैल्यू 11 होगी, वैसे ही आप देखो अब कंडीशन क्या चेक होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 11 लेस देन इक्वल्स टू 10. क्या 11 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, नो, नाउ कंडीशन इज फॉल्स. तो जैसे ही यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, अब ये जो वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखा होता तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन होती, और इसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम क्या हो रहा है आपका, स्टॉप हो रहा है. तो दिस इज हाउ आपका जो भी लूपिंग कंस्ट्रक्ट है वो बिहेव करेगा. अगर यही चीज़ मुझे फॉर में लिखना होता तो मैं क्या लिखती, फॉर आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल्स टू 10 सेमी कॉलन आई प्लस प्लस, एंड इसके अंदर मैं लिखती प्रिंट एफ, सेम सेंटेंस आप लिख दो, पर्सन डी स्लैश एन एंड कॉमा आई एंड देन क्लोजिंग ऑफ लूप. दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड व्हाइल. ओके, एंड डू व्हाइल हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि हमें एटलीस्ट एक बार तो प्रिंटिंग चाहिए, देन वी विल यूज डू व्हाइल कंस्ट्रक्ट. अदरवाइज आप फ्रिक्वेंटली किसी भी कंपनी की अगर मैं बात करूँ, यू आर गोइंग टू यूज फॉर एंड व्हाइल. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द लूपिंग कंस्ट्रक्ट. स्टे ट्यून्ड फॉर द next upcoming video. Thanks for watching. Thank you so much.